सो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज वीडियो के ऊपर रिएक्ट होने वाला है। वीडियो है टॉप रियल टीम का, अमित टीआरटी का। तो चलिए यार, पूरी वीडियो को देखते हैं और एंड तक देखते हैं। ये फनी वीडियो है, तो यार अगर चैनल में नए हो ना तो पूरी वीडियो को देख के जाना और एंड तक देखते जाना। लेट्स स्टार्ट इट। तो इन लोगों को शिकायत है तो बताइएगा एक एक करके क्या क्या शिकायत है तुम्हारी। राजा साहब, मेरी कोई शिकायत नहीं है, मैं तो इनका पीछा करते करते यहाँ पे आ गया। ऐसा है, कपड़े फाड़ के थाने पहुँच गई ना, बैठ जाएगी, जमानत भी ना होगी। अरे एक मिनट, थाने तक मामला मत जान दो यार, पुलिस खाली मुली में तो धमकी देती है। राजा पाजा, चल तू घर को जा, यहाँ से जा। जी आप बताइए क्या समस्या है आपको। राजा साहब, ये खड़ा लेवेंडर सुअर ये रोज रात को 3 बजे मेरे घर का गेट खटखटाता कर रहा है, लोंडिया छेड़ता है। अरे ये तो झूठ बोल रही है, मैं तो डाटा के बिल लेने गया। अरे ठीक है, झूठ तो ढंग का बोल ले, रात के 3 बजे तू डाटा के बिल लेने गया इसके घर, और 2-3 दिन लग के इसे कैद करो और 6 महीने तक लेट टूटवाओ इस पे अभी। चलो। अरे राजा साहब, सजा जो चाहे वो दे दियो, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या पता मेरी बात सुन के आपका दिल पसीज जाए, मेरी सजा माफ कर दो। ऐसी क्या बात है बता। अरे काली काली जामने मस्जिद के सामने, चीनी ले लो, पत्ती ले लो, राजा साहब की चुमी ले लो, पप्पी ले लो। मुझे भी ऐसा ही लगा। तो राजा साहब क्या समझू, माफ कर दिया? माफ? तूने वो गुस्ताखी की है जिसकी मैं तुझे सबसे खतरनाक सजा दूंगा। महामंत्री, इसे अपनी फेवरेट वाली सजा दो। क्या फेवरेट? अरे राजा साहब, और तुम लोग भी जाओ, समस्या बाकी मैं कल देखूंगा। साला हमारी चुम्मी लेता है। जी राजा साहब, अब क्या आदेश है? आदेश ये है महामंत्री, क्या मुझे लग रहा है अपने देश में जो छोटे मोटे गांव हैं, इनमें अभी भी बहुत सी समस्याएं चल रही हैं। तो मैं चाहता हूँ इन गांवों का मुआयना करूँ। ठीक है राजा साहब, मैं कुछ सैनिक भेज देता हूँ मुआयने के लिए। सैनिक नहीं, मैं खुद जाऊँगा वहाँ पर। पर राजा साहब आप? तुम बेफिक्र रहो, मैं भेष बदल कर जाऊंगा, कोई मुझे नहीं पहचानेगा। ठीक है राजा साहब, जैसी आपकी मर्जी। ऐसे भी राजा लोग जो होते हैं ना, वो भेष बदल के जाते हैं। दे दो, इकले इकले पिराओ। ले ले मेरा, तुझे पता ना बंडल में कमाल लगी अब। ए यार तुम तो बुरा मान रहा हो। बेटे मोहल्ले बस्ती में जाओ, वहाँ मिलेगी भीख या नहीं मिलेगी? अरे नहीं चाचा, भिखारी नहीं हूँ यार, छोटे मोटे एक्सपोर्टर तो हम भी हैं, बस मैं तो काम वाम के सिलसिले से आया था। अच्छा, अच्छा मैं पूछ रहा था गाँव के हालात कैसे चल रहे हैं अपने। एक तो गर्मी इतनी पड़ रही है, ऊपर से हमारे देश का राजा आएगा, वो साला एक नंबर का वाला, गरीबों पे अत्याचार। नहीं यार, अपने देश के राजा को ऐसे मत कहो, फिर भी ठीक है वो। ऐसा ना कहूँ, मेरा बस चले तो साले को नाले में दे के मारूं। नहीं अच्छा नहीं लग रहा यार, तुम अपने देश के राजा को ऐसे कह रहे हो, बहुत बढ़िया आदमी है वो। ओहो, तू ज्यादा राजा का हिमायती बननी है, तुझे अच्छा ना लग रहा, तुझे अच्छा ना लग रहा, तुझे अच्छा ना लग रहा, मुर्दा बन, तुझे अच्छा ना लग रहा, मुर्दा बन, बन 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 मुर्गा, तुझे अच्छा ना लग रहा, बक राजा हूँ खाली, बक कर बुराई राजा की। कर रही हूँ यार, राजा बहुत बड़ा, मेरे दिल को सुकून मिला, बनना है हिमायती। आया था सबका खोज खबर लेने, खुद मार खा गया। अच्छा हुआ कि गांव वालों को ये पता नहीं चला कि मैं ही राजा हूँ, वरना तो साले जान से ही मार डालते। पर ये बात किसी को पता नहीं चले कि मैं बेटा हूँ, वरना बात बहुत खराब है खानदान की। वाह यार, इसका मतलब महल तो बहुत ही सुंदर है, एकदम आलीशान लग रहा है देखने में। जी राजा साहब, घूम आए गाँव में, कैसे है गाँव के लोग? गाँव के लोग बहुत बढ़िया है और हमसे बहुत ही खुश हैं। अच्छा, तमाम तारीफें कर रहे थे कि राजा ऐसा है वैसा है, फिर मैंने की राजा की बुराई करने की, तो मुझे चुप करा दिया गया, कोई राजा की बुराई तक सुनने को तैयार नहीं था। माशाल्लाह, बहुत प्यार करती है हमसे प्रजा। राजा साहब, मैंने सुना है हमारी प्रजा पे कोई हमला करने वाला है। हमला? कह दिए उससे जो हमला करेगा, बस वो लोग है गाँव के, कुत्ते की मौत मारेंगे, कपड़े तलक के फाड़ देंगे। फिर तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, जैसे इसका कपड़ा फाड़ के मारा। जनता से कह दो कल हम असरफियां बांटेंगे, पिताजी की बरसी है। ठीक है, लीजिए राजा साहब। अबे तुतरी के, एक तो वैसी कम बची है असरफियां,
तेरे बाप ने लाके दे दी। माफी माफी राजा साहब। साले एक एक करके निकाल। कितना कंजूस है यार सच में। बोल ही रहा था कि बहुत कंजूस है राजा। मेरे पापा ना आ पाए वो काम पे गए, वो कह रहे थे मेरी भी तू ही ले आई है। ए यार इनके हर बार की ये ड्रामे। बड़े वाले भाई सब ना उनकी भी दे दो। अबे अलग कोई डर बहुत तेरी पूरे फैमिली का मांग रहे हैं बिना बजी। इनका हर बार का ये ड्रामा रहे भाई यार। चल का बुड्ढा मुझ पे ही मार फेर के मुझसे असर भी लेना आया। दिल तो कर रिया इसका सुअर भर दूं। हमें एक ही दोगे? तू क्या मेरा रिश्ते में बाप लगाया जो तुझे दो दूंगा? बाप वाली बात नहीं है राजा साहब, दिल से मोहब्बत करते हैं आपसे भी और आपकी फैमिली से भी। अच्छा? माशाल्लाह बहुत अच्छे टर्म्स रहे हैं आपकी फैमिली से हमारे। कल की बात सुन लो, कल एक अनजान आदमी था पता नहीं कहाँ का होगा, आपकी बुराई कर रहा, मुझे बर्दाश्त नहीं हुई। मैंने पहले तो फिर मुर्गा बन पाया, फिर पूरा गांव किसान ने आपकी तारीफ कराई, फिर मेरे दिल को तसल्ली मिली। इस चक्कर में कह रहा था मैं तो, हमें तो चार पाँच असर रुपया दे ही देते, घर का मामला है। राजा साहब ये भला आदमी है, आपकी पीठ पीछे बुराई नहीं होने दी, इसे देनी चाहिए असर रुपया। ले ले जा, लेकिन तेरे दिल में जो हमारे लिए प्यार है ना उसे थोड़ा कम कर भैया, ज्यादा मत बढ़ा। ले लेके चल, ले दो ले जा, लेकिन प्यार कम कर भैया अपने। प्यार कम करवा यार, ज्यादा हो जाएगा तो बेचारा फिर से मार खाएगा। ये थी यार टॉप रियल टीम की वीडियो, बहुत ही ज्यादा फनी थी, मतलब हद है। आपको कहाँ पे अच्छी लगी प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। मुझे तो पूरी पूरी की पूरी वीडियो यार फनी लगी यार। राजा हो तो ऐसा हो सच में जो मार खाने लायक हो। तो ये वीडियो अगर दोस्तों में शेयर नहीं की हो तो शेयर जरूर करना यार। तो मैं चलती हूँ नेक्स्ट वीडियो की ओर। टाटा बाय बाय।